नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम HAS 2021 के लिए जो है आप लोगों के लिए फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है वो लेकर आएंगे, तो आज हम टेस्ट सीरीज वन जो है वो कर रहे हैं। अगर बात करें इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, तो PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो PDF आपका इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर मान लीजिए आपके पास वो लिंक काम नहीं करता तो आप @allexam31 कुछ इस तरह से सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम से जाकर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 8,500 से अधिक हमारे फॉलोअर टेलीग्राम पर हैं, वहां पर आपको इसका अनसॉल्वड PDF मिल जाएगा। इसका अनसॉल्वड PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चंस विदाउट आंसर देखने हैं, और आंसर के साथ अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो इस वीडियो में आपको सभी के सभी क्वेश्चंस, 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपको इसमें सॉल्वड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिए, आपको जैसे भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट, इनमें से कौन सा काकोरी घटना से संबंधित नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जतीन दास जो था वो काकोरी घटना से संबंधित नहीं था। अगर काकोरी इंसिडेंट की बात करें तो ये अगस्त 9, 1925 को जो था वो हुआ था, और ये सेंट्रल उत्तर प्रदेश में जो था वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, और इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। ये ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो सही आंसर है। ये जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 1915 में ये बने थे और ये सेशन बॉम्बे में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन बॉम्बे में हुआ था, ये आप याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में ये क्या पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, तो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म के तीन रत्नों में से नहीं है। तो अगर बात करें कि बुद्ध के तीन रत्नों में से कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अहिंसा जो है वो होगा। ये बुद्ध के तीन रत्नों में से नहीं है। अगर बुद्ध के तीन रत्नों की बात करें तो इसमें बुद्धम आता है, धम्म आता है, संघम आता है। ये तीन रत्न जो है वो बुद्ध के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है, द कलर्स यूज्ड इन द अजंता केव्स पेंटिंग्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में प्रयुक्त रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुआ है। तो ये प्लांट्स और मिनरल से हुआ है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्लॉक टावर वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फाइनेंशियर, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्लॉक टावर जो था वो किस भारतीय के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो ये ऑप्शन डी प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा जो था वो वित्त पोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या पूछते हैं, अच्छा उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री, टेस्ट फोर, टेस्ट फाइव और सभी टेस्ट जो है वो डिस्कस करें, तो इस वीडियो में हम एक छोटा सा टारगेट आपको देते हैं 1000 लाइक्स का। 1000 लाइक्स जब कम्प्लीट हो जाएंगे तब जो है आपको नेक्स्ट पार्ट जो है इसका मिल जाएगा, टेस्ट टू जो है वो आपको मिल जाएगा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का। अब देखिए आपको क्या करना है, खुद भी लाइक करना है क्योंकि आप तो एक ही लाइक कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि जो है 1000 लाइक्स जो हैं वो जल्दी पूरे हो जाएं, और पेपर काफ़ी नज़दीक है तो हम जल्दी से जो है सभी टेस्ट सीरीज को जो है वो कवर कर पाएं। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको ये छोटा सा टारगेट जो है वो कम्प्लीट करना पड़ेगा। मार्केट में आपको पता है कि इसकी कॉस्ट जो है वो 1000 पैसे कम तो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, विद रिफरेंस टू द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म गोमत्सता रेफर्स टू, तो भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में गोमत्सता शब्द का उल्लेख मिलता है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन सी कमर्शियल एजेंट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछते हैं, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999, तो 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का कोड नाम क्या था। तो इसका कोड नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर बात करें ऑपरेशन सफेद सागर, ये 1999 में कारगिल वॉर के दौरान जो था वो स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। कुछ कंट्रीज दी गई हैं और इनमें इन कुछ ट्रेवलर्स के नाम दिए गए हैं और इनकी कंट्री का नाम दिया गया है कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं। पहले वास्कोडी गामा देखिए, बिल्कुल सही बात है, पोर्टुगीज से संबंध रखते थे। अगर बात करें निकोलस कोंडे की, तो ये जो है यहाँ से संबंध नहीं रखते थे, और इवन बतूता जो है ये भी इटली से संबंध नहीं रखते थे। तो इसका ऑप्शन बी ओनली टू जो है वो सही आंसर होगा। बात करते हैं निकोलस कोंटे की, तो ये इटली से संबंध रखते थे, वास्को डी गामा पोर्टुगीज से संबंध रखते थे, और इवन बतूता मोरक्को से संबंध रखते थे।
उसी तरह विलियम हॉकिंस इंग्लैंड से थे, और विलियम फिंच ये भी इंग्लैंड से थे, और थॉमस रो जो था ये भी इंग्लैंड से थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछते हैं, द टर्म इंडियन लीग वॉज स्टार्टेड इन द, तो इंडियन लीग की शुरुआत जो था वो कब की गई थी। इंडियन लीग की शुरुआत ऑप्शन बी 1875 में जो था वो की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं 10 में, द जस्टिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, तो जस्टिस मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है तीनों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगर जस्टिस मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर वही दिया गया है कि ये इन तीन लोगों के द्वारा स्टार्ट की गई थी और ये मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है, ये अलग करता है ऑप्शन ए मालदीव्स और लक्षद्वीप को। ऑप्शन ए सही आंसर है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड भागीरथी कम्बाइंस टू फॉर्म रिवर गंगा, निम्नलिखित में से किस शहर पर जो है वो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और गंगा नदी को बनाती हैं। तो ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और यहाँ पर ये कौन सी नदी को बनाती हैं, ये गंगा नदी को बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन हैव बीन अकॉर्डेड टू द सुंदरबन, तो सुंदरबन में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण प्राप्त है, क्या ये वेटलैंड अंडर रामसर कंजर्वेशन है, क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, क्या ये यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आता है। तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सही आंसर होगा। पहली दूसरी तीसरी चौथी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, इन सभी में ही ये आता है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, तो कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यूरेनियम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी कजाकिस्तान के द्वारा सबसे अधिक प्रोडक्शन की जाती है। यहाँ पर लिखे वही लिखा गया है कि यूरेनियम कजाकिस्तान के द्वारा सबसे अधिक प्रोड्यूस किया जाता है और ये आंकड़े भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट पेयर्स, तो यहाँ पर रिवर्स दी गई हैं और वो कहाँ पर जाकर मिलती हैं, मेकोंग रिवर, थेम्स रिवर, वोल्गा रिवर और जेम्बेजी रिवर। तो ये इन रिवर्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, 3 और 4। जो थेम्स रिवर है ये आयरिश सी में जाकर मिलती है, वोल्गा रिवर कैस्पियन सी में जाकर मिलती है, यही दो स्टेटमेंट्स सही हैं। बाकी अगर बात करेंगे मेकोंग रिवर की तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है म्यांमार और लाओस के बीच में और लाओस और थाईलैंड के बीच में। थेम्स रिवर जो है ये नॉर्थ सी में जाकर मिलती है और ये मेकोंग रिवर साउथ चाइना सी में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कोरल रीफ निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाए जाते हैं। देखिए कोरल रीफ जो है इनमें से कहां पर नहीं पाए जाते, गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं पाए जाते, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क रिप्रेजेंट हिमालयन तराई लैंडस्केप, तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी तराई परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 19 में पूछा गया है, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, अगर आपको घड़ियाल देखने हैं तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है ऑप्शन बी चंबल रिवर। चंबल रिवर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे। चंबल रिवर कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बताएंगे, छोटा सा काम है कमेंट करेंगे, बस आपको कुछ नहीं, जो कमेंट करना है वो कमेंट कर दीजिए, जो लाइक करना है लाइक कर दीजिए, टारगेट को अचीव कीजिए। अगर दूसरी टेस्ट सीरीज़ आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, एक दिन में टारगेट पूरा होता है, एक दिन में ही जो है वो दूसरी टेस्ट सीरीज आ जाएगी विद PDF जो है आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। 20 में पूछा गया है, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, विनेगर का केमिकल नाम एसिटिक एसिड है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वैसे साइंस के ऑलमोस्ट जो है वो ईजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, HPGK का क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश सिलेक्टेड एज अ क्राफ्ट हैंडलूम विलेज, तो ये सर्ण विलेज जो है एज अ क्राफ्ट हैंडलूम विलेज जो है वो चुना गया है। ये लिखा गया है कि सर्ण विलेज को चुना गया है, बस वही सब एक्सप्लेनेशन की दी गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज लॉन्च्ड विच, व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक अमंग नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स, तो यहाँ पर पूछा गया है जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया है इसमें हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक है नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में, तो उसमें हिमाचल का पहला रैंक है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, पहला रैंक है।
यही लिखा गया है कि 2020 में जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया, इसमें कर्नाटका जो है वो पहली कैटेगरी में आता है। अगर मेजर स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका ने टॉप किया है, महाराष्ट्र दूसरी पोजीशन पर है, और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश पहली पोजीशन पर है और उत्तराखंड दूसरी पोजीशन पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, ब्रिटिश डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटल इन प्लानिंग एंड प्रोटेस्टिंग द फॉरेस्ट ऑफ मनाली एंड डूंगरी वॉज, तो मनाली और डूंगरी के पौधारोपण और उनकी देखभाल करने के लिए किस ब्रिटिश उप वन अधिकारी का योगदान था? तो ये था ऑप्शन सी, डफ डनबर। डफ डनबर का योगदान यहाँ पर था। अगला क्वेश्चन देखिए 24, द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग वॉज डिस्कवर्ड बाई दी चीफ मेडिकल ऑफिसर कांगड़ा ऑफ कांगड़ा कैप्टन ए कॉलमैन, तो कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा जो है वो किस हॉट वाटर स्प्रिंग के ने खोज की गई थी? ऑप्शन बी, सलोल हॉट वाटर स्प्रिंग की खोज की गई थी कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर इज दी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बींग कंस्ट्रक्टेड इन मंडी, तो मंडी में किस स्थान पर ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? मंडी के नागचला में इसका निर्माण किया जा रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पोंग डैम वॉज एस्टेब्लाइज इन विच ईयर, तो क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पोंग बांध में ये रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, तो ये 1980s में स्थापित किया गया था, 1980, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर महाराणा प्रताप सागर डैम की बात करें तो ये कांगड़ा में स्थित है, इसको पोंग रिजर्वर भी कहते हैं और इसकी 1975 में स्थापना की गई थी। शिवा टेम्पल बैजनाथ सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ, शिवा टेम्पल बैजनाथ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये बिनवा खड के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बिनवा खड ब्यास की सहायक नदी है, ये याद रखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं है? तो अगर सही नहीं है की बात की जाए तो ऑप्शन सी, पिन वैली जो है वो कुल्लू में नहीं है, ये संयोजन जो है वो सही नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, यहीं पर वही लिखा गया है कि पिन वैली ट्राइब्यूटरी है स्पीति वैली की और ये ट्रांस हिमालय एरिया में पड़ती है। 29 में पूछा गया है, हाउ मच एरिया इरीगेटेड अंडर शाहनगर प्रोजेक्ट, तो शाहनगर परियोजना के तहत कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान की जाती है? 15,287 हेक्टेयर भूमि को यहाँ पर सिंचाई प्रदान की जाती है। ये सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, इरीगेशन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ आर्यन किंग देवदास, तो आर्यन राजा देवदास के मुख्य सलाह एडवाइजर कौन थे? तो ये थे ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश, तो इनमें से हिमाचल प्रदेश में कौन सा मैरिज का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, ये मैरिज का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले में, अगर इसकी बात करें कि थक चोचा ये किस चीज़ का प्रकार है, तो ये डाइवोर्स का टाइप है और किनौराज के बीच में ये डाइवोर्स का टाइप है। 32 में पूछा गया है, एट विच प्लेस इज चंद्रशेखर टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चंबा जिले में चंद्रशेखर मंदिर कहाँ पर है? ये साहो नामक जगह पर स्थित है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 32 में पूछा गया है, हु इज दी ऑथर ऑफ बुक पीड़ पहाड़ां दी, तो पीड़ पहाड़ां दी किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जयदेव किरण के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड ने लिखी है, बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह ने लिखी है, कामिनिया किन्नौर जो है वो आर के कौशल ने लिखी है, पीड़ पहाड़ां दी किताब जयदेव किरण ने लिखी है, चंबा पेंटिंग वी सी ओहरी ने लिखी है, त्रिगर्ता किताब जो है वो विनोद हिमाचली ने लिखी है। तो ये सब आप किताबें याद रखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सूर्या टंगोई गई मेरी जान इज अ फेमस फोक सॉन्ग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, सूर्या टंगोई गई मेरी जान जो है ये कौन से जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये कांगड़ा का प्रसिद्ध लोकगीत है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर ऑफ आदि मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसार चंद ऑफ किन्नौर, कांगड़ा के लिए संसार चंद के शासनकाल में जो था कौन सा चित्रकार इनमें से हुआ करता था? सिंपल आपको बताना है, इनमें से जो है अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ए मानकू जो है वो सही आंसर होगा, ये राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान था। 36 में पूछा गया है, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कर्थीनाट्य इज पॉपुलर, तो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में कर्थीनाट्य प्रचलित है? ये कुल्लू में प्रचलित है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है, यहीं पर वही लिखा गया है कि ये पोस्ट हार्वेस्ट डांस है, वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और मेंस के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है, कुल्लू में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, व्हाट वाज द प्लान आउटले फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2019-2020। तो 2019-20 के लिए जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट में कितने प्लान जो है वो रखा गया था, कितना प्रावधान किया गया था, तो इसके लिए 38.02 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है, व्हेन डिड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम। डॉक्टर वाई के एस परमार पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 24 मार्च 1952 को। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है 39 में, एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप इन ठियोग इन 1947, हु बिकेम इट्स चीफ मिनिस्टर। 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई थी, इसके मुख्यमंत्री कौन थे? इसके जो मुख्यमंत्री बने थे वो सूरज प्रकाश बने थे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 40 में पूछा गया है, विच इज़ द पार्टनर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम चलाया गया है उसमें हिमाचल प्रदेश का जो पार्टनर स्टेट है वो है ऑप्शन बी केरला। केरला का नाम याद रखिएगा। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 2015 में लॉन्च किया गया था, 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वल्लभ भाई पटेल के दौरान जो था वो किया गया था। आगे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। मैत्री इज अ बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सिटमैक्स इज नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को गलत बताया गया है। ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर होगा। मैत्री की अगर बात करें कि ये किसके बीच में है, और सिटमैक्स की बात करें तो देखिए सिटमैक्स एक्सरसाइज जो है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होती है। मैत्री जो है ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी के बीच में होती है और थाईलैंड नेवी के बीच में होती है। तो ये बस आप यहाँ से याद रखिए। 42 में पूछा गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन। तो ये एक कैसी बॉडी है आपसे आपको बताना है, तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, स्टैचुरी बॉडी है। आगे पूछा गया है 43 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राष्ट्रीय एकता दिवस इज करेक्ट। तो ये क्या 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये दिन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है क्या? तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी ओनली 2 जो है वो सही आंसर होगा। ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये 30 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, ये 31 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है, और ये वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर ही मनाया जाता है। 44 में पूछा गया है, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है 45 में, द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है 46 में, व्हाट इज द लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस ऑफ इंडिया टू बी लॉन्च्ड। भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पादन बाजार जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये ट्राइब्स इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 47 में पूछा गया है, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मिसाइल जिसका नाम है QRSAM इट इज एन। तो ये कैसी मिसाइल है? ये जो है ऑप्शन डी सरफेस टू एयर मिसाइल है। QRSAM इसका पूरा नाम है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। आगे पूछा गया है, वर्ल्ड हिंदी डे एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो जनवरी 10 को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 49 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर है। जो PDF मैंने टेलीग्राम पर डाली है वहाँ पर इनको पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और ये सही सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं आपको सही लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, विच टू कंट्रीज बिकेम दी फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट मेजल्स एंड रूबेला। देखिए खसरा और रूबेला बीमारियों को ख़त्म करने वाले दो देश कौन से हैं दक्षिण पूर्व एशिया के? तो ये दो देश हैं श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इनमें से प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत जो है वो है ऑप्शन सी सोयाबीन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे 52 में पूछा गया है, हाउ मेनी वॉट्स आर इन वन हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? अगर एक हॉर्स पावर की हम बात करें तो इसमें ऑप्शन बी 746 वॉट जो है वो होते हैं। यहीं पर ये लिखा गया है कि एक हॉर्स पावर में 746 जो है वो वॉट होते हैं। अगले बात करें हम क्वेश्चन नंबर 53 की, तो यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का उपयोग करके बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स जो हैं
बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें। 54 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर। तो इनमें से लिथियम इसका सही आंसर होगा, जो वाटर के साथ जो है वो सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव जो है वो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, द टर्म वायरस स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर का जो वायरस होता है उसका ये पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन डी, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सीज। इस तरह के क्वेश्चन HAS कई बार पूछता है। 56 में पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ सेल। पावर प्लांट ऑफ सेल किसको कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 57 में, द स्टार अपीयर्स शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। देखिए स्टार्स जो हैं अपनी पोजीशन चेंज करते हुए दिखाई देते हैं, ये टिमटिमाते हुए भी दिखाई देते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, अ पर्सन कैन नॉट सी इन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ही इज सफरिंग फ्रॉम विच डिफेक्ट योर विजन कॉल्ड। देखिए अगर पर्सन जो है वो दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता स्पष्ट रूप से, तो उसको मायोपिया रोग जो है वो हुआ है। ऑप्शन सी मायोपिया सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में ये पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स फ्रॉम अ ब्रेन डेड पर्सन कैन बी यूज एज डोनेटेड ऑर्गन। देखिए इनमें से ऐसा कौन सा अंग है जिसे जो है मृत दिमाग, मतलब जो मृत व्यक्ति होता है उसके उसका भी दान किया जा सकता है। 1, 2, 3 यानी कि हार्ट को भी कुछ टाइम तक होता है कि टाइम पीरियड इतने के अंदर हार्ट को भी आप डेड ब्रेन अगर है तब डोनेट कर सकते हैं, किडनी और लीवर को भी कर सकते हैं। ये आगे क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज, तो पोटैटो का जो एडिबल पार्ट खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है स्टेम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट नेशनल यूथ पार्लियामेंट। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है जो 2021 में हुई थी। यहाँ पर पूछा गया है, द फर्स्ट नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन जनवरी फरवरी 2019। दूसरे में ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021। तो इसका ऑप्शन सी बोथ 1 और 2 जो है वो सही आंसर है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। पहली बार ये 2019 में ऑर्गेनाइज की गई थी और अभी नरेंद्र मोदी ने जो था इसको एड्रेस किया। 62 में पूछते हैं, संकल्प प्रोग्राम कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो संकल्प प्रोग्राम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस के तहत आता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है 63 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेल्नी पासवर्ड इंडेक्स 2021। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। पहले में पूछा गया है कि इंडिया रैंक्स 85th इन दिस इंडेक्स। दूसरे में कहते हैं कि हेल्नी पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और तीसरे में ये पूछते हैं कि सिंगापुर एट द टॉप परफॉर्मर। तो इसका बात करेंगे तो ऑप्शन ए ओनली वन जो है वो सही आंसर है। इंडिया का 85th रैंक है, बिल्कुल सही बात है। और इसके अगर हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो हेल्नी पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें जापान जो है वो टॉप परफॉर्मर रहा है और सिंगापुर दूसरी पोजिशन पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जाता है, द थारू ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 65 में पूछते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम वाणी स्कीम। तो पीएम वाणी योजना के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनके ऊपर विचार कीजिए। पहले में पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कीम। अगले में पूछते हैं कि स्कीम एम्स टू सेट अप पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। तो इसका अगर सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इसकी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO जिसको कहा जाता है, अगर SCO की बात करें तो SCO की इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए किर्गिस्तान जो है इसकी मेंबर है, बाकी अफगानिस्तान, अजरबैजानी भाईजान ये और नेपाल जो है इसकी जो है वो नहीं है मेंबर्स। तो SCO की बात करें तो इसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये इसके सभी मेंबर जो हैं वो आते हैं। अगर हम बात करें 67 की तो आगे पूछा गया है, सक्षम इज अ मास अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसेंटली टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट। सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किया गया है लॉन्च क्लीन एनर्जी के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द ईयर 2020 वॉज अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए
2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इन तीनों को ही ये प्राइज जो है वो दिया गया है 2020 का नोबेल प्राइज। 69 में पूछते हैं द इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट, तो इंडिया का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में जो है वो शुरू किया गया है, तो ये ऑप्शन बी केरला में जो है वो स्टार्ट किया गया है। अच्छा, अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपके साथ डिस्कस किए जाएँ अलग से, तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 70 में ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी डिजिटली एजुकेटेड, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डिजिटली रूप से साक्षरता है भारत का पहला राज्य बना है, तो ये केरला ही बना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 71 में पूछते हैं ड्यूरिंग विच 5-year plan वॉज द इमरजेंसी वॉज क्लैम्प्ड, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल जो था वो बंद कर दिया गया था, अगर बंद कर दिया पूछ गया है तो 5th 5-year plan जो है इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछते हैं अ ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस इन, तो ड्राई फार्मिंग डेक्कन रीजन में जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस की जाती है। 73 में पूछते हैं म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो म्यूचुअल फंड्स को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है, ऑप्शन बी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सही आंसर है। 72 में पूछते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विद, देखिए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री की हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन भी होगी, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इन्फ्लेशन जो है बढ़ती है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछते हैं अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर दी, तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के तहत सेटअप किया गया है, किसके तहत, ऑप्शन डी नीति आयोग के तहत ये सेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीजेज इट्स फ्लैगशिप ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, तो किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की गई है, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 77 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट हो गया रिवर्स रेपो रेट हो गया ये फिक्स की जाती है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 78 में पूछा गया है इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक्स इन आवर कंट्री स्टार्टेड वर्किंग, तो रीजनल रूरल बैंक ने कब काम करना स्टार्ट किया था, ऑप्शन डी 1975 में काम स्टार्ट करना उन्होंने किया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। RRB की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, तो हिंदू विकास दर जो है वो GDP से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, तो इनमें से ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, वेल्डर जो है ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया है 81 में विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी पसंदीदार व्यक्ति के साथ जो है वो शादी कर सकता है, तो ये राइट आर्टिकल 21 के तहत जो है वो दिया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 82 में पूछते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट में पूछते हैं द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, तो भारत के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा के परे रखने का अनुच्छेद पेश करती है। 72 में ये पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटेड ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो भारत ने जो था वो न्यायालय और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के तौर पर जो है वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो सही आंसर है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, ये पहली स्टेटमेंट सही नहीं है। 83 में पूछते हैं विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, तो 5th शेड्यूल जो है इसकी बात करता है स्पेशल प्रोविजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आगे पूछ जाता है 6th शेड्यूल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाता है ट्राइबल एरियाज को। 84 में पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, तो इंडियन फेडरल सिस्टम के साथ जो है वो कौन सा शेड्यूल संबंध डायरेक्टली नहीं रखता, ये है ऑप्शन बी सेकंड शेड्यूल जो है डायरेक्टली संबंध नहीं रखता इंडियन फेडरल सिस्टम के साथ। सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, गवर्नर ऑफ स्टेट आता है, इनकी ओथ आती हैं, इनके स्पेशल प्रोविजन आते हैं, अलाउंसेज आते हैं, प्रिविलेजेस आती हैं, ये अलग अलग दिया गया है। 85 में पूछते हैं
द नाइन्थ शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइन्थ शेड्यूल जो था वो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे पूछते हैं 86 में विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स अकॉर्डेड प्रेसिडेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर द फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक अधिकारों में से कौन सा संशोधन पूर्ववर्ती सिद्धांतों के अनुरूप है। तो अगर बात करेंगे 86 की तो इसका ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सही आंसर आएगा। 87 में पूछते हैं द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द, तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो इसको ऑप्शन ए मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसको चुनते हैं, इसको वाइस प्रेसिडेंट को, ये आप याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट को किसके द्वारा चुना जाता है ये आप कमेंट करके बता दीजिए, बस छोटा सा क्वेश्चन है, एक कमेंट करना है आपको और एक लाइक करना है ताकि अगली टेस्ट सीरीज जो है वो जल्दी आपको प्रोवाइड करवाई जाए। आगे पूछा गया है 88th में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, तो इनमें से लिबर्टी की सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है वो कौन सी मानी जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन साइल्फ फुली, तो खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर एक लिबर्टी की अच्छी डेफिनेशन इनमें से है। वैसे तो अच्छी से अच्छी डेफिनेशन इन्होंने पूछा है तब यही होगी। 89 में पूछा गया है विद रिफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन मैंने इसीलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि जो है एक प्रॉपर प्रैक्टिस आप कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर इसका जो है 89 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली वन, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ हाउसेज एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, राज्यपाल पहले सत्र की शुरुआत में जो है सदन के दोनों सदस्यों को एक प्रथागत पता देता है, बस यही स्टेटमेंट सही है। आगे पूछा गया है 90 में अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड न लैंड वॉइड, तो ये जो है ऑप्शन बी 5th शेड्यूल में जो है ये बताया गया है। 91 में पूछा गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज लोकेटेड इन, तो ये जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, इसकी स्थापना 1947 में था वो की गई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 92 में पूछते हैं आफ्टर इंडिया एंड चाइना विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया और चाइना के बाद सबसे अधिक पॉपुलेशन किस कंट्री की है, तो ये है ऑप्शन बी यूएसए की, यूएसए की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इन चाइना की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया की है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की। आगे 93 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है, तो रवांडा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो अक्टूबर 11 को मनाया जाता है, ऑप्शन ए अक्टूबर 11 इसका सही आंसर होगा। 95 में पूछा गया है कामाख्या देवी टेंपल इज इन विच सिटी, तो कामाख्या देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी आसाम में स्थित है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। 96 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। 97 क्वेश्चन में पूछते हैं ये द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो एनर्जी के कमर्शियल यूनिट क्या होते हैं, ये होते हैं किलो वाट आर, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। 98 में पूछते हैं एज पर सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, सबसे कम महिलाओं की जो साक्षरता है वो कहाँ पर दर्ज की गई है, बिहार में दर्ज की गई है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 99 में पूछा गया है द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया, तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, यह है 9, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है 100 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, तो इनमें से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है, तो ऑप्शन ए एस्ट्रोन जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया और हर एक सेक्शन से हमने हर एक क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश की, इसी तरह अगली टेस्ट सीरीज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे और उसमें भी जो है इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप जल्दी से जल्दी 1000 लाइक्स का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।